गढ़वाली फ्यूजन करने वाले चार युवाओं ने इन दिनों यूट्यूब पर धूम मचा रखी है। इन युवाओं ने गढ़वाली लोकगीतों पर ऐसा फ्यूजन के मिक्स किया है जिससे के लोग दीवाने हो गए हैं। और इन युवा गीतकार की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूट्यूब पर चार दिनों के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग इनके गीतों को देख चुके हैं। इन युवा कलाकारों के फ्यूजन को देखकर मशहूर गायक सोनू निगम ने भी ट्वीट कर इन्हें बधाई दी है। YouTube पर आजकल इन दिनों कुछ युवाओं का ग्रुप जो है काफी धूम मचा रहा है। उत्तराखंडी संगीत जहां अपने लोकगीत के लिए जाना जाता है, वहीं आजकल जो फ्यूजन है वो फ्यूजन लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। भले ही इस ग्रुप ने अब तक अपना कुछ नाम नहीं रखा है, लेकिन सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सोच है इनकी उत्तराखंडी संगीत के बारे में, और क्या कहां से ये आइडिया आया कि इस ग्रुप का जो है एक इनोवेट किया जाए और साथ में लोगों को जोड़ करके उत्तराखंडी लोक संगीत से लोग जुड़े। हमारा हम लोग फ्यूजन करते हैं गानों का। ये हैंकी चमोली, ये बीट बॉक्सर है, और मैं सूरज सिंह रावत, मैं रैप करता हूँ। ये दीपा धामी है, ये रोहन भारद्वाज है। और जो हम लोग मिले, हम लोग को ऐसा लगा कि क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट इज अ कोऑपरेशन, तो हमें एक दूसरे का हमेशा साथ चाहिए। हाथ में हाथ रहेगा तभी काम होता है। तो जैसे मैंने गढ़वाली रैप शुरू किया, मैंने ये सोचा कि जैसे मैं 5 साल से हिंदी रैप कर रहा था, तो मुझे लगा कि हम अपने कल्चर को कैसे बढ़ा सकते। कल्चर बहुत पीछे हो गया है, लोग अपनी भाषा को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उसका मैंने ये सोचा कि जब मैं अपनी अपने स्किल के थ्रू, अपने रैप, अपने आर्ट के थ्रू मैं गढ़वाल को आगे बढ़ाऊं, तो मैं गढ़वाली रैपर बन गया। तो मुझे लगा कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग इतना पसंद नहीं कर पाए या लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो मुझे रूहान मिला, रूहान इज बहुत अच्छा सिंगर, गढ़वाली भी गाता है और बहुत। तो मैंने कहा हम दोनों मिलकर इस चीज को करते हैं। तो हमारे साथ फिर चमोली जी जुड़े, अंकित चमोली ने हमें म्यूजिक दिया, इज अ बीट बॉक्सर, वो मुंह से ही म्यूजिक बनाते हैं। तो फिर हम दीपा से मिले, दीपा बहुत अच्छा गाती है, उसका क्लासिकल भी बहुत अच्छा है। आप लोग जो है यूट्यूब पर बहुत ज्यादा हिटर लाइक आप लोगों को अभी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने जो है ग्रुप का नाम नहीं दिया है, तो ये सोच आखिर अभी तक क्यों कि अपना नामकरण जो है वो जब इतने ज्यादा हिट्स आपको मिल रहे हैं? एक्चुअली मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं 5 साल से म्यूजिक में है, कोई 6 साल से, कोई बचपन से भी है। तो पहले भी ऑलरेडी किसी ग्रुप के, जैसे मैंने अपना दीम एंड आर्मी एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम हिप हॉप रैपर्स थे, लेकिन और फिर चमोली जी किसी और ग्रुप के थे, कोई सिंगल था। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम ना कि एक ग्रुप बनाए, हम एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा फिर एक कंपल्शन हो जाता है, तुम्हें मेरे साथ ही करना है। हम चाहते हैं कि हम सबको सब ले, हमारे जितना उत्तराखंड है, जिनको लगता है वो उनके अंदर कुछ बात है, वो मिले हमसे, हम उनके साथ जुड़े, आगे बढ़ते रहे सब। ऐसा कुछ जो अभी आपकी जो न्यू फ्यूजन जो इनोवेशन है वो जो आप अभी दर्शकों को सुनाना चाहें? मेरी हाँ, मेरी है लकड़ी, हाँ भैया।